हे गाइस, वेलकम बैक टू माय फर्स्ट वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये मेरे लाइफ का फर्स्ट वीडियो है, ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत सारा ब्लॉग वीडियो शूट कर चुका हूँ दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, हमारे जाके हमारा ओल्ड वीडियो जाएंगे साढ़े, हम तो फाइनली जो है 950 वीडियो अपलोड कर चुके हैं दोस्तों। और हम आपको बता दें, ये फर्स्ट वीडियो बनाने का ये मतलब, जैसे कि आपको बता दें, ये सिविल लाइन मतलब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का हमारा काम करता है, बिल्डिंग लाइन का है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, समझ गया ना। वैसे मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, और आप हमारे पिछले वीडियो जाएंगे देखें तो गांव से रिलेटेड वीडियो बनाया, फिर इसके बाद घूम घूम के जो मतलब प्लेस होते हैं, अच्छे अच्छे प्लेस, वहाँ का वीडियो बनाया। फिर इसके बाद मेरा जॉब लग गया दोस्तों, फिर इसके बाद मैं जॉब से रिलेटेड वीडियो अपलोड करने लगा। मतलब कि शॉर्ट वीडियो मैं ज्यादा अपलोड करता हूँ, हर 3 घंटे दोस्तों हमारा एक वीडियो अपलोड हो जाता है। और फिर इसके बाद मैं आज सोचा क्यों ना एक अपना यहाँ का सिविल लाइन मतलब कि जो एक कंस्ट्रक्शन का काम देख सकते हैं चल रहा है, बिल्डिंग लाइन। मैं इस समय 5वें फ्लोर पे खड़ा हूँ दोस्तों, देख सकते हैं इधर चारों साइड पूरा पहाड़ी पहाड़ है, और ये पूरा लोकेशन पूरा पहाड़ से भरा हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं बंदे काम भी कर रहे हैं। तो मैं सोचा आज क्यों ना एक फर्स्ट ब्लॉग के नाम से एक वीडियो बनाते हैं, और इस पे देखते हैं लोग क्या सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं बहुत दिन से दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ, और फिर इसके बाद आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, शॉर्ट वीडियो पे ठीक ठाक व्यूज चले जाते हैं दोस्तों, लेकिन जो हम लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हैं दोस्तों उस पे कोई भी सपोर्ट नहीं आता है आप लोग का, वही 50 व्यूज, 60 व्यूज, 100 व्यूज, 200 व्यूज, बस इतने पे ही दोस्तों वीडियो रुक जाती है। मतलब आप लोग पूरा वॉच नहीं करते हो, या फिर मैं जो है कंटेंट ही डालता हूँ उस तरीके से शायद कंटेंट नहीं डाल पाता जिससे आप लोग एंगेज होके वीडियो देखें। तो दोस्तों हम आपसे वादा करते हैं कि जो है हम ऐसे वीडियो डालेंगे जो कि आप लोग को थोड़ा सा कुछ ना कुछ उसमें एंगेजिंग हो, मतलब कि कुछ ना कुछ उसमें सीखने को मिले, और फिर इसके बाद दोस्तों उसमें आपका टाइम जिसे वेस्ट ना हो, मैं आपसे वादा करता हूँ, समझ गए ना। और हम आपको दोस्तों ये सिविल लाइन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा, और जैसे एक सपोज दैट मैं आपको बता दूं, कहीं घूमने चला गया, देख सकते हैं इतना बड़ा पहाड़ ऐसे देखो, दिख रहा है ना पूरा चारों तरफ, ये लोकेशन जो है पहाड़ पे ही है। अगर कभी मौका मिलेगा दोस्तों चलेंगे, पूरा घूमेंगे, और फिर इसके बाद आप लोग को भी पूरा घुमाएंगे अच्छे तरीके से, समझ गए ना। और फिर इसके बाद दोस्तों हम आपको बता दें कौन कौन सी वीडियो इस पे अपलोड होगी, हमारे पर्सनल ब्लॉग रहेगा मतलब पर्सनल लाइफ के बारे में रहेगा, और फिर इसके बाद ट्रेवलिंग रहेगा, और सिविल लाइन से रहेगा, और सेफ्टी से रिलेटेड वीडियो शॉर्ट वीडियो जाता ही रहेगा। मतलब कि जैसे आप कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हो तो उसमें क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेनी चाहिए, और किस तरीके से जो है जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, आप हमारी ट्रेनिंग की वीडियो देखेंगे तो मतलब जैसे सपोज जैसे सेफ्टी क्या होती है, और फिर इसका कन्फाइंड स्पेस क्या होती है, हाइट वर्क क्या होती है, हॉट वर्क क्या होती है, कन्फाइंड स्पेस क्या होती है, और फिर इसका इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कैसे करते हैं, इसका जो है इससे खतरे क्या होते हैं, और इससे क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, मतलब इससे क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए, और इससे क्या क्या खतरे होने हो सकते हैं इससे, ये सब वीडियो आपको देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे दोस्तों। तो आज का यही छोटा सा ब्लॉग हम सोच रहे थे आपको बना के दे दे, तो फाइनली आप लोग को हम ये वीडियो बना दिए, और आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करके सपोर्ट करिए दोस्तों। आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तहे दिल से, और माता रानी का आप लोग का आशीर्वाद बनाए रखे आप लोग को। और फिर इसके बाद आप लोग अगर कहीं भी काम कर रहे हो एकदम सेफ्टी का रूल फॉलो जरूर करिएगा, समझ गए ना, क्योंकि जिंदगी रही तो यार पूरे जहान देखने को मिलेगा, समझ गए ना, जिंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। काम एक बार लेट आप कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप जल्दीबाजी करेंगे, अगर आपको कुछ हो गया ना, अगर आपके एक हाथ ना रहे एक पैर ना रहे ना, फिर इसके बाद बहुत तकलीफ होती है। कंपनी में आप कितनी भी काम कर लो, कंपनी वाले बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, समझ गए नहीं, कंपनी वाले बस क्या करेंगे आपको दवा करवा देंगे, लेकिन आपका दर्द नहीं सह पाते, दर्द तो आपको ही झेलना पड़ेगा, समझ गए, आपकी फैमिली आपके पीछे है, आपके घर है, आपके बच्चे हैं, बहुत लोग होता है आपके पीछे, समझ गए ना। इसीलिए सेफ्टी से कोई भी अवहेलना ना करे, सेफ्टी का पूरा ध्यान देके जितने भी आपके सीनियर बोलते हैं, जैसे आप साइट पे काम कर रहे हो, सीनियर आप सेफ्टी वाला जो बोलता है उसको आप सुनिए, और फिर इसके बाद उसको मतलब कि उसके बातों का वो मत करिए कि मतलब ये देखो सेफ्टी वाला आ गया, आप बोलेगा हेलमेट लगाने के लिए, सेफ्टी बेल्ट लगाने के लिए, तो ये सही के लिए बोल रहा है, ये नहीं कि आपको जो है दोस्तों कि आपको बस इरिटेट करने के लिए बोल रहा है कि बेल्ट लगा लो। यार बेल्ट लगा लोगे तो अगर आप सपोज दैट जैसे आप काम कर रहे हो, सपोज दैट आपका पैर फिसल गया, कुछ भी हो गया, तो सेफ्टी बेल्ट लगा रहे हैं आप लटक सकते हो यार, जमीन पे तो नहीं जाएगा, क्योंकि जमीन पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन देखते थे क्या क्या पड़ा है, देखते थे कहीं सरिया पड़ा हुआ है, कहीं रॉड पड़ा हुआ है, कहीं ये शटरिंग का पड़ा है, माइवन का पड़ा हुआ है, सब बहुत चीज पड़े हुए, कील पड़े होते हैं, आपका कहाँ लग जाए, कहाँ धस जाए, आप कहाँ पे टकरा के आओ, देख सकते हैं इस तरीके के सरिया भी यहाँ पे लगे होते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो इसमें अगर आप फंस गए पूरा शरीर का फाड़ देगा, ऊपर से नीचे आओगे, इसलिए बोला जाता है दोस्तों आप सेफ्टी बेल्ट लगा के ही काम करें। और दोस्तों ये सेफ्टी आज का हमारा फर्स्ट ब्लॉग आपके बस
इसीलिए बना रहे थे दोस्तों। आपको अब हमेशा वीडियो देखने को मिलता रहेगा, अच्छी अच्छी वीडियो, तो यार सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के पास शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे धमाकेदार वीडियो का, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।